शक्ति देखने के लिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। अंत में वो मान कन्हैया के पांव के ऊपर परिक्रमा करने लगा। बरबरी बोले, महाराज पांव हटाओ, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। कन्हैया मान गए कि ये तो चुन चुन कर कौरवों को मार देगा। लेकिन बोले, बरबरी तुम किसका साथ दोगे? बरबरी बोले, महाराज मैं अपनी माँ को वचन दे रहा हूँ कि जो पक्ष हारेगा, हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा, हरे का तू है सहारा। बोले, बरबरी अगर तुम पांडवों के साथ होगे तो कौरव हारने लग जाएंगे, और अगर कौरवों के साथ जाओगे तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बरबरी बोले, महाराज क्या करूं? कन्हैया ने कहा, मुझे इस धरती के कल्याण के लिए एक बलि चाहिए, और वो बलि तीन ही महापुरुषों में से हो सकती है, या तो भगवान श्री कृष्ण की, या अर्जुन की, या महाबली बरबरी की। अर्जुन की मैं बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने सारा युद्ध जीता है। श्री कृष्ण की मैं बलि नहीं ले सकता, वो जगती पालन हार है। तो बच्चे को तो धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दो। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। बरबरी को इतनी बात बोली कन्हैया ने, बरबरी ने कहा, महाराज जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण प्रश्न नहीं हो सकता, आप अपने असली रूप में आइए, मैं अपने शीश का दान दूंगा। बहुत शुक्र जी, कैसे देख रहे हैं आप मास्टर नितिन पार्टी के सजने से। श्रृंगार सामने